दोस्तों, इस संपूर्ण संसार की रचना करने वाले भगवान विष्णु ने स्वयं बताया है कि किस तरह कलयुग का विनाश होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब कलयुग हम पर हावी हो जाएगा तो तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मिलकर इस कलयुग का अंत कर देंगे। पुराणों में दी गई जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सबसे पहले प्रलय शुरू होगा पानी से, फिर अग्नि से होगा और फिर उसके बाद होगा वायु से और अंत में पृथ्वी से होगा। इस प्रकार इस पापकारी युग का अंत हो जाएगा और पुनः नए युग की शुरुआत होगी जहां सब कुछ सत्य होगा और अच्छा होगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि कलयुग का अंत किन किन कारणों से होगा और कैसे होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि कलयुग के अंत की शुरुआत सबसे पहले स्त्रियों के बालों से होगी, जिनको स्त्रियों का श्रृंगार कहा जाता है। कलयुग के अंत में सभी महिलाएं अपने बालों को काटना शुरू कर देंगी। उसके बाद शुरू होगा अपने बालों को रंग करना। सभी स्त्रियां व पुरुष अपने प्राकृतिक बालों को रंग करना शुरू कर देंगे, यानी उन्हें रंगीन करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, कलयुग के अंत में किसी भी स्त्री के बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे तथा रंग बिरंगे दिखाई देंगे और सभी पुरुषों में बालों के झड़ने की समस्या तेजी से फैलेगी। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जब एक बेटा अपने बाप पर हाथ उठा देगा तो समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर आ गया है। घर घर में कलेश होगा, कोई आपस में प्रेम से मिलकर नहीं रहेगा। लोग अपने ही घरों में अपने सगे भाई बहनों को मारेंगे। और एक बुरी बात, कलयुग में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, सदा झूठ का ही सहारा लेगा। एक पत्नी अपने पति से झूठ बोलेगी और एक पुत्र अपने पिता से झूठ बोलेगा और सत्य की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और झूठे लोगों का ही बोलबाला होगा। कलयुग में आपको ईमानदार लोग और सच्चे लोग बहुत ही मुश्किल से दिखाई देंगे। कलयुग के अंत में कोई भी रिश्ता किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी मायने नहीं रखेगा। और कलयुग में लोग शादी तो करेंगे तथा आपस में हमेशा झगड़ते ही रहेंगे और एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं करेंगे। ना पति पत्नी की इज्जत करेगा और ना ही पत्नी पति की इज्जत करेगी। मान लो शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा, पति व पत्नी अपने रिश्तों को बिना सोचे समझे तोड़ देंगे, जिसे आजकल हम लोग तलाक और डाइवोर्स कहते हैं। जिस प्रकार सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होती थी और उनकी मृत्यु अच्छी व सुरक्षित होती थी, लेकिन कलयुग आधा व्यतीत होते ही कलयुग के मनुष्य की आयु लगभग 30 से 40 वर्ष तक की होगी तथा घोर कलयुग के आते ही इंसान 15 से 20 साल ही बहुत मुश्किल से जी पाएगा। और कलयुग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि बस ट्रेन ट्रक आदि से होगी। उस समय व्यक्ति की मौत एक कुत्ते से भी ज़्यादा भयंकर होगी। सदैव कलयुग का व्यक्ति बेईमानी करेगा, एक दूसरे का खून करके अमीर बनना चाहेगा, कोई किसी का हक छीनेगा तो कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर जाएगा। लोग अपने सगे संबंधियों से ही गद्दारी करने लगेंगे। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो उस समय लोगों में ना कोई कानून होगा और ना ही कोई व्यवस्था होगी, बल्कि एक आम व्यक्ति कानून से भी नहीं डरेगा। कलयुग के लोगों में चारों ओर अकाल और भूखमरी फैलने लगेगी, लोग प्यास और भूख से मरने लगेंगे। पुराणों के मुताबिक कहा गया है कि जब 7 वर्ष की कन्या एक बच्चे को जन्म देगी यानी माँ बनेगी तो कलयुग का अंत नज़दीक होगा। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आज इस वीडियो में बताई गई बात आज सच हो रही है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना है। इस दुनिया में परमेश्वर द्वारा बनाई गई हर वस्तु की इज्जत करें और बेजुबान जानवर की सेवा करें, बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें तथा उनकी रक्षा करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।